आज हमारे गेस्ट हैं शादाब खान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान। आप दोबारा से मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा, शायद सर्दी हो जाए, गर्मी आए, प्रोफेशनल आपको खेलना पड़ता है। आपकी अपनी फिटनेस आप कैसी है? मेरे ख्याल से जब आप इंजरी या कुछ आप फेलियर आते हैं तो उससे आप ज्यादा सीखते हैं। टीम तो बाबा ने खिलानी होती है, तो कोशिश वो यही करता है कि वो अपनी मर्जी से खिलाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल के हवाले से हम लोग खुसूसी शोज कर रहे हैं। आज हमारे गेस्ट हैं शादाब खान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान, और उनकी टीम ने जो कराची में मुनक्किदा मैचेस से अच्छा परफॉर्म किया था, 3 फतूहात हासिल की थी 4 मैचेस में। शादाब को गुज़िश्ता दिनों फिटनेस मसाइल ने भी बड़ा परेशान किया, उनसे बात करेंगे उनके इरादों के हवाले से। पीएसएल के जो अबूधाबी में मैचेस हो रहे हैं उसके लिए क्या सोचा है उन्होंने, उनकी अपनी फिटनेस कैसी है, और उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टीम में शामिल हुए हैं तो उनसे क्या तवक्कात वाबस्ता है शादाब को। तो बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शादाब, कैसे हैं आप और कैसा वक्त गुजर रहा है आपका यहाँ क्वारंटीन में अबू धाबी में अकेले कमरे में? आप तो दोस्तों की महफिल में रहने वाले हैं और गपशप लगाते रहते हैं, तो यहाँ अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं, लेकिन कैसा वक्त गुजर रहा है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का काफी अच्छा गुजर रहा है। काफी अच्छा होटल और काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है अभी तक। और आपको पता थोड़ी सी आदत भी हो गई है कोरोना टाइम में रहने की, तो काफी अच्छा गुजर रहा। तो यहाँ के टीम के लिए क्या कोई ऐसे सेशंस वगैरह हो रहे हैं, जूम मीटिंग हो रही है, या कोई ट्रेनिंग के लिए भी इस तरह ट्रेनर जूम पे आ रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि फिर एकदम 7 दिन बाद जो एक दिन प्रैक्टिस के मिलेंगे फिर खेलना पड़ेगा, कैसे तैयार रखेंगे? नहीं, बेसिकली हम खुद भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो टीम ट्रेनिंग है तो मुश्किल है जूम में आपको करना, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि 2 सेशन रखें जिसमें टीम ट्रेनिंग भी हो, लेकिन मोस्टली हम इंडिविजुअल कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है, अंदाज़ा है कि हमारे पास क्वारंटाइन के बाद टाइम नहीं है खुद को ट्रेन करने का। तो कोशिश यही है कि जो रूम में आप हमें कोशिश कर रहे हैं कि जो हम ट्रेनिंग कर सकते हैं रूम में वो करें और यूज टू रहे ताकि हमारी बॉडी, क्योंकि हम जब यहाँ से निकले तो कोशिश ये होगी कि स्किल्स पे काम हो, ट्रेनिंग पे काम ना हो। कराची में जो मैच हुए 4 में से 3 मैचेस आपकी टीम ने जीते, बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब अबू धाबी आ गए हैं, यहाँ की कंडीशन भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो किस तरह से आगे चलने का आपने प्लान बनाया? जी बिल्कुल, कराची का जो वो तो पास हो गया, अब दोबारा से मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा क्योंकि T20 में आपको मोमेंटम चाहिए होता है, और थोड़ा कम्बिनेशन भी चेंज हुआ है जिसमें प्लेस नहीं है, लेकिन जो हमने रिप्लेसमेंट ली काफ़ी अच्छी रिप्लेसमेंट हमें मिली, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम कराची खेले उसी तरह कोशिश करें अबू धाबी में खेलें, और कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, कम्बिनेशन चेंज होंगे, पिचेस को देख कर कम्बिनेशन चेंज किए जाएंगे, और कोशिश करेंगे अपने कोर पे स्ट्रिक्ट रहें और उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह कराची में किए। मैं काफी गर्मी यहाँ पर हो रही है अबू धाबी में, खेलते हुए मुश्किल तो नहीं होगी? एज ए प्रोफेशनल आपको खेलना तो पड़ता है, चाहे मुश्किल हालात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, एज ए प्रोफेशनल आपको खेलना पड़ता है, आपको यूज टू होना पड़ेगा, और ये एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि ये सब टीमों के लिए एक जैसा ही होगा मौसम, और मुश्किल है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको चैलेंजेस लेने पड़ते हैं और खुद को ऐसा ट्रेन करना पड़ता है कि आप हर जगह खेल सकें। जो टीम में चेंजेस हुई हैं उसकी वजह से कौन सा प्लेयर है जिसको आप ज्यादा मिस करेंगे, और जो नए लड़के आए हैं किस प्लेयर से ज्यादा आपको उम्मीदें हैं? डेफिनेटली जितने भी हमारे प्लेयर्स खेल के गए, स्पेशली एलेक्सिस, लुइस ग्रेगरी, फिल्सार्ट, ये खेल के गए और काफी अच्छा कम्बिनेशन बना था, डेफिनेटली हम मिस करेंगे, लेकिन जो हमारे पास कम्बिनेशन अभी उस्मान ख्वाजा का एक्सपीरियंस आया हमारे पास, ब्रेंडन किंग है, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मिस कर रहे थे वो हमें मिला, और क्योंकि जो हमारे जिस तरह के हमारे बेंच में मेरे ख्याल जफर गौर को उस तरह चांस नहीं मिला, वो यहाँ ज्यादा अच्छा, क्योंकि आपको पता है यहाँ कंडीशन चेंज है, उम्मीद करता हूँ कि वो जिस तरह को उसका माशाल्लाह वो टेस्ट डेबी भी, वो टेस्ट भी खेल चुका है और डोमेस्टिक का सीजन भी अच्छा गुजरा है, तो उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करे। मान ख्वाजा पाकिस्तानी आजाद हैं, पहली बार पीएसएल खेल रहे हैं,
बड़े एक्साइटेड है, मैंने उनका इंटरव्यू एक आज पढ़ा था, तो आपकी उनसे बात हुई तो क्या कह रहे थे वो? जी बिल्कुल, वो हैं भी इस्लामाबाद के और बिल्कुल वो खेलना चाहते थे पीएसएल काफी टाइम से, लेकिन आपको पता है कि उनका सीजन हमारा सीजन क्रैश करता था तो इस वजह से नहीं खेल पाए, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। होपफुली वो जिस तरह का प्लेयर है और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देता आ रहा है, होपफुली वो हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए परफॉर्मेंसेस दे और हमें जिताने की मदद करे। हसन अली आपके दोस्त, बड़ा अच्छा उनकी परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान टीम के लिए भी, आपके लिए भी, आपके साथ आए तो उनके साथ अब कैसा वक्त गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा गुजरा है, क्योंकि काफी अरसे से हम लोग खेल रहे हैं। हसन हो गया और जिस तरह का उसका माशाल्लाह कमबैक हुआ है और जिस तरह वो परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो माशाल्लाह वो टीम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो ऐसा करेक्टर है जो टीम को उठा के रखता है। और बिल्कुल काफी अच्छा टाइम गुजर रहा है, कोशिश ये करते हैं कि जूम पे या व्हाट्सएप पे कॉल पे बात कीजिए। आप उनको अपना मेन प्लेयर समझते हैं या और भी प्लेयर हैं उनसे उम्मीदें? नहीं, मैं क्योंकि किसी पे प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेकिन जिस तरह की हमारी टीम है और जो हमारी कोर है, मैंने आपको पहले बोला है जो हमारी कोर है, चाहे वो आसिफ अली है, हुसैन तलत है, फहीम अशरफ है, मायसेल्फ, हसन अली, जितने भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं कोर, क्योंकि हम ज्यादा कोर वही है हमारी, तो वो कैपेबल हैं, उन्होंने हमें मैचेस जिताए हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाल्लाह अभी भी अबू धाबी में हमें मैचेस जिताएंगे। चेंजेस हुई है टीमों में, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स अब ज्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर आई होगी क्योंकि हर टीम ने प्लेयर मिस किए हैं, आपकी तरह दूसरी टीमों के भी कई गैर मुल्की प्लेयर्स हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी प्लेयर जो है उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई? जी सलीम भाई, मेरे ख्याल से आपको कोई भी लीग में आप चले जाएं, जब तक उनके लोकस प्लेयर्स अच्छे नहीं होंगे आप कोई लीग नहीं जीत पाते। तो हमारी हमारी स्ट्रेटजी भी यही है कि हम अपने कोर्स, जो हमारा कोर है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स का है, तो कोशिश हमारी वही होती है कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स पर रिलाई करें। जी बिल्कुल, अब हमारे मनरो वापस आया है, ख्वाजा ब्रैंडन किंग है, तो बिल्कुल वो हमारे हेल्प करेंगे, लेकिन हमारी जो कोर है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स की है और हम ज्यादातर रिलाई भी उन पर करते हैं। आपकी अपनी फिटनेस अब कैसी है? वैसे तो पीसीबी के प्रेस मीट से पता लगा था कि आप बिल्कुल फिट होंगे, लेकिन आपने खुद भी जब फिट हुए इसके बाद कुछ ट्रेनिंग वगैरह शुरू की, प्रैक्टिस वगैरह की, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी मुश्किल साल था क्योंकि मैं ज्यादातर इंजर्ड ही रहा हूँ और काफी मुश्किल होता है आप इंजरी के बाद वापस आए और एक बड़ा टूर्नामेंट खेलें या वो सीरीज खेलें, तो काफ़ी मुश्किल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। और जी दो तीन सेशन किए हैं, लेकिन अभी उसके बाद क्वारंटाइन में इंशाल्लाह, बस क्वारंटाइन के बाद दोबारा जो जितना टाइम मिले कोशिश करूँगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करूँ और मैचेस के लिए रेडी हूँ। मुश्किल साल के साथ अच्छा भी आपके लिए रहा, आपको कैप्टनसी का भी मौका मिला, आपके लिए पाकिस्तान की भी कैप्टनसी की आपने, और माशाल्लाह कैरियर आगे से आगे बढ़ता जा रहा है आपका, तो एंजॉय कर रहे हैं सब चीजों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि ख्वाब ही होता है पाकिस्तान के लिए खेलना और पाकिस्तान की कप्तानी करना, तो उससे भी बड़ा आजाद होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का। और जी बिल्कुल अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा, बुरा इस सेंस में कह सकते हैं कि अब इंजर्ड रहा हूँ पूरा साल तकरीबन, तो उस वजह से, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप इंजरी या कुछ आप फेलियर आते हैं तो उससे आप ज्यादा सीखते हैं और आप ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो कोशिश यही की है कि जो गलतियाँ फेलियर हुए या इंजरीज की वजह से बाहर हो तो उससे सीखा, और इनशाला कोशिश करूंगा जो सीखा है और उसको दोबारा ना करो। वर्ल्ड कप भी अब इसी साल आना है, पीएसएल हो रही है, तो इससे भी आपको तैयारियां जानने का मौका मिलेगा, उसको आपसे पूछी भी है बस। जी बिल्कुल, एक वर्ल्ड कप तो है, वैसे भी अभी थोड़ा दूर है, इतना लंबा सोचना नहीं चाहिए, मैं कोशिश ये कि पीएसएल का सोचूं और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी इंग्लैंड सीरीज है, लेकिन पहले मैं यही सोच रहा हूँ कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्मेंस हो, बाकी जो होना है क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता कुछ भी, तो कोशिश ये है कि जो पीएसएल है वो अच्छे तरीके से अच्छे परफॉर्मेंस दें और टीम को जिताएं, बस इतना ही सोचा अभी तक।
बाबर के साथ आपका कैसा रहता है रابطہ और गपशप कैसी रहती है? आप लोग कितनी बनाम उम्र हैं और दोनों अच्छे परफॉर्मर हैं? जी बिल्कुल, शुरू से क्योंकि हम तकरीबन हमारा कैरियर इकट्ठे स्टार्ट हुआ, वो थोड़ा पहले आए थे लेकिन उस टाइम वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब से हम लोग आए तो उधर से उसका माशाल्लाह कैरियर अच्छे से स्टार्ट हो गया था। तो शुरू से हमारी अच्छी गपशप होती थी और अभी भी बिल्कुल, कोई कोई उसको मसला हो या मुझे मसला हो तो हम एक दूसरे से पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारे जो हम टीम बनाए वो म्यूचुअल 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 दोनों मिलके हम बनाएं, क्योंकि टीम तो बाबा ने खिलानी होती है, तो कोशिश वो यही करता है कि वो अपनी मर्जी से खिलाए और बिल्कुल वो राय लेता है और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से राय दूँ, और ताकि ज्यादातर तो ये होता है, कोशिश ये होती है कि टीम का फायदा और हमारे जो, और कभी कभार ऐसे होता है कि आप जो प्लेयर चाह रहे होते हैं वो परफॉर्म नहीं करता लेकिन आप उन पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तब भी आपकी टीम बनती है और वो जिस तरह का माशाल्लाह कॉन्फिडेंस देता है प्लेयर्स को तो वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप बार बार टीम चेंज करेंगे तो उसमें टीम नहीं बनती है, और उसके भी ये जहन में, और वो कोशिश यही करता है कि एक ही टीम ज्यादा से ज्यादा खिलाए। वैसे तो आपकी बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब बेहतरीन है, लेकिन आप अपने आप को क्या कंसीडर करते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर, क्या कहलाना आपको ज्यादा अच्छा लगता है? इसलिए मैं तो शुरू से बॉलिंग ऑलराउंडर था। हाँ, शुरू में मैंने बैटिंग में परफॉर्म नहीं किया लेकिन अभी मैं बैटिंग में परफॉर्म किया, लेकिन मेरा शुरू से मेरा ये मानना है कि मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, अभी मैं बॉलिंग ऑलराउंडर ही रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि बॉलिंग में मेरे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है और कोशिश कर रहा हूँ मैं बॉलिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दूँ और बॉलिंग में दोबारा अपनी फॉर्म रिगेन करूँ और पाकिस्तान टीम के लिए खेलूँ। थैंक यू वेरी मच आदाब, आपकी टीम के लिए नेक तमन्ना है, उम्मीद है जबरदस्त परफॉर्म करेगी और आगे आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आदाब खान की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना है बतौर प्रोफेशनल क्रिकेटर हर किस्म की कंडीशन में खेलने के लिए वो लोग तैयार होते हैं। अबू धाबी में गर्मी तो है लेकिन उन्हें नहीं लगता कि टीम की परफॉर्मेंस पे उसका कोई असर पड़ेगा। उन्होंने उस्मान ख्वाजा की शमूलियत पर बड़ी खुशी का इजहार किया है, उनका कहना है कि इस्लामाबाद से ही उसका ताल्लुक है और उम्मीद है वो टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। हसन अली से भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्कोआत बांधी हुई है। तो फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।